जय श्री राम। हमारा आज का ये वीडियो है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास, और खास होने की वजह है कि एक ही साथ दो घटनाएं आपके जीवन में 2025 में होंगी। 2025 में मार्च के महीने में आपसे शनि की ढैया खत्म हो जाएगी। शनि आपकी राशि से चौथे घर से निकलकर पंचम भाव में आ जाएंगे, जिसको हम कहते हैं शनि की पनौती का स्टार्ट। अब बैक टू बैक, पहले ढैया थी अब पनौती हो गई। अब इसमें हमें क्या सावधानी रखनी है, ये आपके आज के इस वीडियो का मुख्य टॉपिक है कि आप ढैया से और पनौती से डरते हैं या उसको समझते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। अगर आप किसी चीज़ को समझते हैं तो वो आपके ऊपर उतनी हावी नहीं हो पाती है, लेकिन अगर आप सिर्फ उससे डरते ही डरते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं हैं, कोई विचार नहीं करते हैं और बिना वजह मुझ पे ढैया चल रही है और साढ़े साथी आ गई और अब मेरे जीवन का क्या होगा, तो शायद आपके ऊपर वो हावी होके रहेगी और आपको वो प्रॉब्लम देगी ही देगी। क्योंकि शनि के ट्रांजिट को शास्त्र के अंदर सबसे ज़्यादा वरीयता दी गई है कि भाई शनि का ट्रांजिट हो तो ज़रूर देखें, क्योंकि ये 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहता है और ये आपके नॉर्मल कर्मों को या नौकरी को या आपके व्यापार या आपके कर्म क्षेत्र को दर्शाने वाला, फॉलो करने वाला, या आप कह सकते हैं कि इसी के आधार पर आपके जीवन में सब कुछ चल रहा है, इसलिए शनि को कर्म या काल कहा गया है। हमारा ये वीडियो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए है। अगर वृश्चिक लग्न के लोग भी इसको देखना चाहते हैं तो वो देखिए कि आपके लग्न से पंचम भाव में जब शनि आए हैं तो वो क्या फल देते हैं, ख़ास तौर पर जब आपको शनि से संबंधित दशा अंतर या प्रत्यंतर चल रही हो तो आपके ऊपर ये नियम ज़्यादा लागू होता है। इस वीडियो के अंदर हम मोस्टली ये सभी टॉपिक कवर करने वाले हैं कि 2025 में शनि कब राशि परिवर्तन करेंगे, कब वक्री होंगे, कब मार्गी होंगे, कब से पनौती यहाँ आपकी शुरू होने वाली है, किन किन नक्षत्रों में शनि का गोचर कब से कब तक रहेगा, क्या लाभ है, क्या सावधानी है, किन उपायों से हम इनको बेहतर बना सकते हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में विस्तार से जानकारी मिलेगी। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अगर हम देखें, जब वर्ष 2025 की शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि आपकी राशि है वृश्चिक और वृश्चिक राशि से चौथे घर के अंदर शनि का ट्रांजिट है। जब भी राशि से चौथे घर में शनि हो ट्रांजिट के अंदर, गोचर के अंदर, तो हम कहते हैं कि ये समय आपके जीवन में शनि की ढैया लेकर आता है, क्योंकि ये चंद्रमा से चौथा है और चंद्रमा हमारा मन है। मन से चौथे भाव के ऊपर, जो कि हमारा सुख का स्थान कहलाता है, वहाँ पर बेचैनी का एहसास होना बहुत सामान्य तौर पर देखा गया है कि शनि की ढैया अगर राशि से चौथे घर में आई है तो आपके ऊपर इसका सामान्य इफेक्ट पड़ेगा ही कि ये आपको अंदरूनी रूप से परेशान, टेंशन, तनाव देने की कोशिश करेगा। क्योंकि शनि अपनी ही राशि के अंदर है तो ये देखा गया है कि इतना परेशान नहीं किया गया है, क्योंकि शनि की ये स्वयं अपनी ही राशि है तो प्लेनेट वहाँ आपको कहीं ना कहीं कुछ देने की भी कोशिश करता है, चाहे वो आपको हिम्मत और धैर्य ही दे। लेकिन जिस दिन 29 मार्च 2025 आपके जीवन में आता है, शनि आपकी राशि से चौथे घर से निकल जाते हैं और वो राशि से पंचम भाव के अंदर आ जाते हैं, यानी जहाँ पहले शनि कहाँ थे, चौथे घर में थे, शनि की ढैया चल रही थी, वहाँ से शनि निकल गए, शनि की पनौती शुरू हो गई, क्योंकि राशि से पंचम भाव में। अब इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आप अपने आप को समझें कि भाई चंद्रमा है कौन। चंद्रमा आपका वृश्चिक राशि में है। यहाँ पर चंद्र को नीच कहा गया है। नीच का मतलब सीधा है कि ये चंद्रमा आपको ज़्यादा इमोशनल बना सकता है, ज़्यादा गहराई से सोचने वाला बना सकता है, आपको नेगेटिव थॉट्स दे सकता है, या कह सकते हैं ऐसे लोगों के जो स्वभाव है वो इस प्रकार का है कि ये ज़्यादा सोचते हैं, हृदय से ज़्यादा सोचते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो हृदय सोच, मन से सोचना और माइंड से सोचने में अगर देखें तो ऐसे लोग हृदय की ज़्यादा मानते हैं, मन की ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को भावुक कहा जाता है, इमोशनल कहा जाता है, किसी के साथ अटैचमेंट हो जाए ऐसा कहा जाता है। यानी किसी भी रिलेशनशिप्स, किसी भी बात के अंदर गहराई तक जाना भी ऐसे लोगों के स्वभाव में है। अब आपकी इस प्रकार की राशि है और आपका ऐसा स्वभाव है, अगर आप ऐसे ही स्वभाव के साथ चलते हैं तो आपको लाइफ में डिफ़िकल्टीज आती हैं।
क्योंकि आज के समय में वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी हमारा इस्तेमाल किया गया, हमारा लोगों ने प्रयोग किया, हम उनसे नाराज हैं, लेकिन आपकी नाराजगी से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नाराज वो आप हो, वो नाराज नहीं है। उन्होंने तो आपसे काम निकालना था, वो आपसे काम निकाल चुके हैं। बाद में आप सिर्फ उनको कोसने के अलावा उनका कुछ करते नहीं सकते, क्योंकि आपका स्वभाव ऐसा है। हो सकता है साल दो साल में आप वो बात भूल जाए, फिर से आपको वो हेल्प के लिए आए और फिर से आप उसको कह दें कि हाँ मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, क्योंकि आपका नेचर ऐसा है। तो इस नेचर के ऊपर भी वर्क करना आपको ज़रूरी है, क्योंकि जब हम चंद्रमा से शनि के ट्रांजिट को देखते हैं तो चंद्रमा हमारा मन है, शनि हमारा कर्म है। कि आपकी राशि से, आपके मन से शनि का ट्रांजिट यानी कर्म वाला प्लेनेट कहाँ पर चला और वो आपको क्या देना चाह रहा है, तो ये दोनों चीज़ों का एक मिलन है। कि हमें सबसे पहले अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा। अगर हमारा किसी ने यूज़ किया है तो हमें उस पर वर्क करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों कर गया। क्योंकि इसकी दो ही तरीके हैं, या तो आप अपने स्वभाव को पूर्ण रूप से बदल कर लोगों की हेल्प करना बंद कर दीजिए, या फिर नियम बना लीजिए कि भी नेकी करो और दरिया में डालो, कि मेरा तो स्वभाव ऐसा है मैं तो ऐसा करूँगा। अब राशि से पंचम भाव में शनि आता है। अब शनि के लिए ही क्यों कहा गया है कि भी ये पनौती है? गुरु भी आ सकता है, राहु भी आ सकता है, मंगल भी आ सकता है, क्योंकि ये सबसे लॉन्ग टर्म तक रहने वाला प्लेनेट है। इसलिए शनि को कहा गया है कि जब जब शनि चंद्रमा से पंचम भाव में आता है तो पंचम भाव हमारी बुद्धि है, हमारे विजडम है, हमारे निर्णय हैं, हमारे डिसीजंस हैं फिफ्थ हाउस के अंदर। चंद्रमा से पंचम का शनि का आना इसका मतलब है कि भाई पनौती का स्टार्ट होना। और वो पनौती क्या है? पनौती शब्द का सीधा रिलेशन हमारे माइंड और हमारी बुद्धि से है कि भाई ये तो मेरे लिए पनौती बन गया। इसको क्या कहते हैं? मैं ही इस व्यक्ति को जीवन में लाया और आज ये मेरे लिए पनौती बन चुका है। अब मेरा मन तो ये कहता है कि भाई तू मेरे जीवन से चला जा तो मैं अपने जीवन में कुछ आराम दे लूँ। यही फिफ्थ हाउस है। इसलिए फिफ्थ हाउस का सबसे पहला कैरेक्टर कि आप किसी को अपने जीवन के अंदर लेके आते हो, क्योंकि फिफ्थ हाउस में हमारे इमोशंस हैं, रोमांस हैं और प्रेम संबंध हैं। कि चंद्रमा से पंचम भाव में अगर शनि आ रहा है तो ऐसे समय में उन लोगों के लिए डिफिकल्टीज बढ़ जाएंगी जो लोग लव रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि शनि स्वभाव से अशुभ है, शनि स्वभाव से एक मेलेफिक्स प्लेनेट है। शुभ भावों के अंदर मेलेफिक्स प्लेनेट्स का जाना उस भाव में कंफर्ट जोन फील नहीं करता। कि चंद्रमा से पंचम में शनि है तो उन लोगों के लिए सबसे पहली हिदायत है कि भैया अगर लव रिलेशनशिप्स में हैं तो संबंधों को संभालिए, अन्यथा आपके संबंधों में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि आपकी राशि का मालिक मंगल है और मंगल के लिए शनि मित्र नहीं है। इसलिए शनि की ये पोजीशन राशि से पंचम में सबसे पहला इफेक्ट उन लोगों के जीवन में डालती है जो लव रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व है। ऐसी स्थिति में प्रेम संबंधों के अंदर खटास होती है और वो इस स्तर तक भी पहुंच सकती है कि आप ये कहें कि भाई मैंने ये क्या कर लिया, मेरा तो अब इससे छुटकारा दिलाओ, मैं तब तो इसमें इन्वॉल्व हो गया, आज मेरे लिए ये एक गले की हड्डी बन चुकी है। अब चंद्रमा से पंचम भाव बुद्धि का भाव है। बुद्धि के भाव में अगर मेलेफिक्स प्लेनेट आता है तो ये हमारे जीवन में हमारे रॉन्ग डिसीजंस से लॉस देता है। क्या होता है? चंद्रमा से पांचवें घर में शनि आता है और शनि है एक अशुभ ग्रह, वो पंचम भाव में आकर आपकी बुद्धि को मलिन करता है, बुद्धि को कुबुद्धि में बदलता है। तो सबसे पहली बात, चंद्रमा से पंचम का शनि, आपको सावधान हो जाना है। अब आने वाले समय में मैं अपने निर्णयों को बहुत सोच समझ कर ठोक बजा कर लूंगा या लूंगी कि भाई मैं अब ऐसे कोई निर्णय नहीं लूंगा जो फास्ट हो, जो इमीडिएट हो। मुझे सोचना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शनि की वजह से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। यही तो पनौती है। पनौती का मतलब क्या है? सीधा डायरेक्ट रिलेशन है। आप अपनी गलतियों से फंस रहे हो, चाहे बिजनेस में फंस रहे हो, चाहे नौकरी में फंस रहे हो, चाहे रिलेशनशिप्स में फंस रहे हो, अपनी वजह से। पहले आपने बहुत ज़्यादा किसी को तवज्जो दी है, अब वो आपके जीवन में परेशान करने लगा आपको, अब आप उससे पीछे छुड़ाना चाह रहे हैं। चंद्रमा से पंचम भाव सिर्फ चंद्रमा से पंचम नहीं है, ये दसवें घर से आठवां भाव भी कहलाता है। कि मेरी बुद्धि पे मेलेफिक प्लेनेट है जो कि मेरे कर्म से आठवें घर में बैठा हुआ प्लेनेट है, यानी यहाँ कर्म का और बुद्धि का सीधा कनेक्शन है।
कि मैंने जब जब रॉन्ग डिसीजंस लिए तब तक मेरी प्रोफेशनल लाइफ में उठापटक हुई, शॉर्टकट्स लिए लॉस हुआ, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में एक्शन लिया लॉस हो जाएगा, लोभ लालच में आ गए लॉस हो जाएगा, जुए सट्टे लॉटरी झटके से पैसा कमाने के चक्कर में आए लॉस हो जाएगा। अगर आप किसी प्रकार से भी स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं तो ऐसी स्थिति में संभलिए, क्योंकि ऐसा प्लेनेट आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आप भ्रमित हो सकते हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं और आप अपना लॉस कर सकते हैं, क्योंकि ये दशम से पंचम है। इस दौरान जो भी डाउनफॉल करियर में आएगा उसकी शुरुआत पहले यही होगी कि पहला ये प्लेनेट आपकी बुद्धि को मलिन, आपकी बुद्धि को खराब करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव मैलेफिक है ना, और मैलेफिक है तो प्रॉब्लम देगा, वो चाहेगा कि पहले आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो उसके बाद आपका लॉस हो। तो आपको इन दोनों चीज़ों से सावधान रहना है। पहली चीज, आपको अपने चंद्रमा को स्ट्रांग करना है, जो मैंने शुरू में बताया कि आपका स्वभाव ऐसा है। दूसरा, आपको शनि को अपनी बुद्धि पे हावी होने नहीं देना। तो ये विशेष चीज चंद्रमा से पंचम के शनि में देखी जाती है, इसी को हम शनि की पनौती कहते हैं। अब शनि की जो स्थितियां हैं इसको अगर हम देखें तो जहां पर शनि बैठते हैं उतनी प्रॉब्लम वहां होती नहीं जितनी दृष्टियों पर में प्रॉब्लम है, क्योंकि दृष्टियां श्रापित है। अगर शनि की दृष्टि यहां से बैठ के सप्तम भाव पे आती है तो दो चीजें, जिनकी शादी नहीं हो रही उनका विवाह संबंध बनाने में शनि सक्षम है, लेकिन जिनकी शादी हो गई है उनको अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि शनि यहाँ काल और दूसरे से अलग करना दोनों पे काम करता है। कि शनि सप्तम भाव पे अपना ट्रांजिट की दृष्टि बनाए तो सातवें घर के फल यानी विवाह से संबंधित स्थितियां मजबूत होती हैं, लेकिन अगर विवाह हो चुका है तो संबंधों में कलह उत्पन्न ना हो। ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि व्यक्ति के जो संबंध हैं जीवन साथी के साथ वो सामाजिक रूप से ही अच्छे दिखाई देते हैं, अंदरूनी रूप से उसमें कलह रहता है। शनि की दृष्टि अगर आप देखें तो यहाँ से सीधा 11th हाउस पर भी है। 11वां घर वृद्धि का भाव है, लाभ का भाव है, यानी हमारे दिमाग में हमेशा रहेगा। जैसे मैंने बताया कि पंचम बुद्धि है और 11वां लाभ है, व्यक्ति ऐसी स्थिति में कोशिश करता है जल्दी से पैसा कैसे कमाऊं, शॉर्टकट्स अपनाता है, लोभ लालच में आता है, स्टॉक मार्केट में पैसे फंस जाते हैं, जुए सट्टे लॉटरी में फंस जाते हैं। काम पे फोकस करें, नौकरी और व्यापार पे फोकस करेंगे तो लाभ मिलेगा, और शॉर्टकट्स और जल्दबाजी से करेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा, पैसा फंसेगा। वहीं शनि की सेकंड हाउस में भी दृष्टि इसी बात को बताती है कि भैया अगर लाभ मिलेगा तो दूसरे घर में उसको जोड़ा जाएगा, क्योंकि दूसरा घर पैसे के संचय का भाव है। इसलिए 5वां घर को पहले सुरक्षित करना जरूरी है, कि हमें किसी प्रकार के लोभ लालच में नहीं पड़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, कोई शॉर्टकट्स नहीं अपनाना, सीधा काम से काम रखना है। अगर वर्क पे फोकस है तो लाभ भी है और धन भी है और पैसे का जुड़ना भी है, और अगर वर्क पे फोकस नहीं है, लोभ लालच की तरफ है, तो आप कमा के अपने पैसे को एकदम से झटके से कमा देंगे। ये नियम नौकरी और व्यापार दोनों पे लगता है। अगर जॉब लॉस है, जॉब में प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में सोचो कि आपकी वजह से तो नहीं है, कहीं आप पहले से कम तो काम नहीं कर रहे, कहीं आप पहले से ढीले तो नहीं हो गए हैं, कहीं आपका फोकस अब बिगड़ तो नहीं रहा, क्या आपका फोकस नौकरी के क्षेत्र में खराब हो रहा है, ऑफिस वाले आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं कि भी इससे एक दो गलती और हो जाए और हम इसे निकाल दें। यही एग्जैक्टली व्यापार के लिए भी होता है। अब शनि यहाँ पे थर्ड लॉर्ड है, थर्ड लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, तीसरा घर हमारे शौर्य पराक्रम का और पंचम भाव हमारी बुद्धि शिक्षा का है। तो बहुत बार ऐसे लोग अपने शौक को ही अपनी शिक्षा बना लेते हैं कि मुझे ज्योतिष का शौक है, मैंने ज्योतिष पढ़नी शुरू कर दी, मुझे क्रिकेट खेलना शौक है, मैं क्रिकेट की एकेडमी में चला गया, मुझे रनिंग का शौक है या तो मैं अपना जिम ज्वाइन कर लिया, फिर मैं कोचिंग लेने लगा। तो ऐसी चीजें यहाँ से दिखाई देती हैं, पंचम भाव क्योंकि शिक्षा का भाव भी है, और पंचम भाव में बृहस्पति की राशि में शनि है। अगर आप सुचारू रूप से चलते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी एजुकेशन अच्छी रहती है और आप रिसर्च से संबंधित वर्क के लिए अच्छा करते हैं, अपने कार्य में शोध कर लेते हैं। लेकिन अगर आप भ्रमित होते हैं, आप कंफ्यूज होते हैं और आप अपना पूरा ध्यान नहीं लगाते हैं, तो आप अपनी ही गलतियों से, मैंने हमेशा से बार बार आपको कहा कि अपनी ही गलतियों से अपनी एजुकेशन को स्पॉइल करना भी इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है, क्योंकि शनि फोर्थ लॉर्ड है, फोर्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। तो क्या कहेंगे, ये स्थिति भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए ठीक है, अगर आपका ऐसा कोई विचार है तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, ये चीज़ें आपको फायदा देगी। ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी को लेना, इन्वेस्टमेंट करना उस पर, उसका खरीद फरोख्त करना, लेना बेचना, उससे प्रॉफिट कमाना भी शुभ देखा गया है।
अब शनि होते हैं 2025 के अंदर में वक्री। ये एक और परिवर्तन होता है इसका कि भैया 13 जुलाई से लेके 28 नवंबर तक शनि वक्री। अगर कोई प्लेनेट अशुभ हो और वो अच्छे भावों में वक्री हो रहा हो तो ये एक घटना का संकेत है, क्योंकि वक्री प्लेनेट हमेशा से शक्तिशाली माना जाता है। और इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि भैया मेरा प्लेनेट जो है वो अब वक्री हो गया और अधिक शक्तिशाली हो गया। तो जब तक वो शनि वहाँ वक्री रहेगा चंद्रमा से पंचम में, हमें बहुत ज़्यादा सावधान होना है, क्योंकि 13 जुलाई से 28 नवंबर तक ये प्लेनेट आपको अपनी तरफ खींचेगा। ये काम से हटाएगा, ये एजुकेशन से हटाएगा, ये लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देगा, ये बुद्धि से गलत निर्णय दिलाएगा, ये एजुकेशनली प्रॉब्लम देगा, ये प्रोफेशनली प्रॉब्लम देगा, क्योंकि ये आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो रेट्रोग्रेड हुआ है, क्योंकि वो वहाँ पर वक्री हुआ है। इसलिए आपको यहाँ सावधान रहने की विशेष ज़रूरत है। जब तक ये प्लेनेट वक्री हो उस दौरान विशेष सावधानी रखनी है, अन्यथा प्लेनेट तैयार है, वो आपको दिखा देगा कि एग्जैक्टली पनौती होती क्या है। अब इसी वक्री होते हुए शनि के होते हैं नक्षत्र परिवर्तन, कि 23 अप्रैल से लेकर 3 अक्टूबर तक शनि स्वयं अपने ही नक्षत्र में। ये एक अच्छी बात है कि प्लेनेट एक श्रम का कारक है, मेहनत का कारक है, हिम्मत का, शौर्य का, पराक्रम का कारक ग्रह है। वो अपने ही नक्षत्र में है, वो रिट्रोग्रेट है, वो कहता मैं आपको दोनों चीज़ें दे सकता हूँ, आप जैसा मुझसे लेना चाहें। आप चाहते हैं अपनी बुद्धि को मलिन करना, खराब निर्णयों में जाकर नुकसान करना, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। और आप राइट डायरेक्शन में चाहते हैं, एक ही जगह लगे रहें, धैर्य से लगे रहें, मेहनत से लगे रहें, और आपको उसी का लाभ चाहिए, तो उसके लिए भी शनि तैयार है। यानी ये एक एक पॉजिटिव आस्पेक्ट है कि प्लेनेट वक्री होते हुए अपने नक्षत्र में चल रहा है। इसका मतलब आपके लिए एक अच्छा संकेत है, वो प्लेनेट अंदरूनी रूप से यही चाह रहा है कि भाई आपका कुछ भला हो जाए। और आप खुद ही अपना नुकसान पे तुले हुए हों तो देखो वो फिर बात अलग है। अदरवाइज़ मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि प्लेनेट को समझना ज़रूरी है, उपाय करो या ना करो तो कोई बात नहीं है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उपाय है कि आपने उसको समझ लिया। और आपने उसे समझा ही नहीं और सुबह से शाम से पूजा पाठ लेके बैठे हुए हो, फिर कहते हो जी हमें तो ये नहीं मिल रहा, हमें तो वो नहीं मिल रहा। अब शनि का फिर से नक्षत्र परिवर्तन होता है, क्योंकि शनि वक्री हैं, वक्री करके इनकी चाल उल्टी होती है। उल्टा चलते हुए शनि 3 अक्टूबर से दिसंबर के 25 तक वापस नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र की तरफ आते हैं। ये गुरु का नक्षत्र है, ये गुरु के भाव में ही बैठे हैं। ये स्थिति एजुकेशनली अच्छी है, फाइनेंशियली अच्छी है, प्रोफेशनली अच्छी है, साथ ही साथ रिसर्च के वर्क के लिए अच्छी है, क्योंकि उस दौरान जुपिटर का जो ट्रांजिट होगा वो 8th हाउस में होगा। अब शनि तो बैठे हैं कहाँ, पंचम में, और पंचमेश गया है अष्टम में, इसलिए ये समय शोध के कार्यों के लिए अच्छा है। ये समय जीवन में एजुकेशनली बहुत अच्छा है, रिसर्च के लिए अच्छा है। आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर गहन अध्ययन या रिसर्च कर रहे हैं तो आपके लिए एक शुभ कंडीशंस यहाँ दिखाई देती है। यानी इस पूरे ट्रांजिट के अंदर वर्ष 2025 में आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली वो प्लेनेट आपसे चाहता क्या है। अगर आप उसकी वो बातें जो मैंने आपको बताई हैं उनको अपने दिमाग में रखेंगे तो शायद आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत शुभ भी रहेगा और अच्छे फल भी देगा। और यदि आप उस पर अप्लाई नहीं किए हैं और आपने उस बात को नहीं सोचा है और बस चल रहे हैं और घबरा रहे हैं तो समझ जाइए शनि की पनौती आपका बुरा हाल करने के लिए तैयार है। तो ये था मेरा एक आज का विषय कि भाई वृश्चिक राशि के जात को ढैया हो गई ख़त्म और शुरू हो गई आपको शनि की पनौती। इसको कैसे अपने जीवन में ढालें, क्या एडजस्ट करें, किन बातों को समझें, क्या सावधान रहें जिससे आपके जीवन में राइज हो। जय श्री राम।